हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल जैसे कि मैंने प्री एनालिसिस में बात किया था कि मार्केट ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया था, इस वाले रेंज के ऊपर आके मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन कर दिया था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये वाला रेंज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है मार्केट के लिए। तो देखिए, मार्केट ने यहाँ पे ऊपर ओपनिंग दिया, यहाँ के नीचे के साइड में थोड़ा आया, फिर वापस रिट्रेस हो गया, फिर यहाँ से एक बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाया था और इसका ब्रेकआउट दे के मार्केट ने ये पीछे वाले सपोर्ट तक आके टारगेट दे दिया। तो इसके आगे मार्केट आपको देखना था या नहीं देखना था, क्योंकि मार्केट का जो मैंने जोन आपको बताया था उसी जोन के अंदर मार्केट यहाँ पे अभी ट्रैवल कर रहा था। अभी ये वाला मोमेंटम क्यों आया वो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जिन्होंने पुट शॉर्ट किया था उनको लगा था कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसके लिए उन्होंने पुट शॉर्ट किया, तो उनको शायद लगा रहेगा कि अभी शायद मार्केट ये 43,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा है, तो उन्होंने अपना पोजीशन कवरअप किया रहेगा, इसी वजह से ये फॉल आया है। तो देखिए, मेरा कल के लिए बैंक निफ्टी का व्यू क्या रहेगा, अगर बैंक निफ्टी मान लो इस वाले जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है तो मेरे लिए नो ट्रेड जोन रहे। बैंक निफ्टी यही कहीं पे रेंज बना के अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा बहुत मूवमेंट आ सकता है, लेकिन ध्यान में रखिए आज का जो हाई है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से वापस रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ से वापस सेलर एक्टिव हो सकते हैं। तो आपका व्यू यही होना चाहिए कि मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होकर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे तो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। कि डाउन साइड में मेरा कोई व्यू नहीं, अगर मार्केट समझो यहीं पे ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो मार्केट थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे के साइड में बहुत सारे सपोर्ट्स बने हुए हैं। अगर मान लो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं पे ओपन होके एक नीचे के साइड में एक जोन बना के मूवमेंट करता है तो इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है। इस टाइप का जोन यहाँ पे अगर बना या मार्केट ने और नीचे के साइड में ब्रेकआउट किया तो ही यहाँ तक एक मूवमेंट आ सकता है, मगर वो भी रेयरली है। आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। ऐसे एनालिसिस में हमारे साथ बने रहने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।